दूसरी बात यह है, मद्य का जैन धर्म में पूरी तरह से निषेध है। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब है और चाहे वह और तरह के नशे हैं, कोई भी नशा एक जैन व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं है। सभी तरह के नशों पर प्रतिबंध है इस धर्म में, इस धर्म की मान्यता में, यहाँ के अनुशासन में। अब यहाँ आकर कई बार सुनते क्या कहा जाए मंच के माध्यम से, जब लोगों को कमज़ोर पाते हैं तो दुख होता है। ये जैनत्व की बात नहीं है, जैनत्व की बात तो यह है विशुद्ध जीवन होना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे का, मद्य का प्रयोग जैन व्यक्ति नहीं कर सकता। और बंधुओं, जैनत्व के बाद शिकार का निषेध है। ये बात थोड़ी आसान तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं शौक पालते हैं तरह तरह के, ये भी इसी प्रकार का कोई शौक बना रखा है, लेकिन जैन व्यक्ति कभी कभी शिकार नहीं खेल सकता, चोरी नहीं कर सकता, और जुआ खेलना इसका निषेध है। और सदाचार कितना पर स्त्री को माता और बहन बेटी की दृष्टि से देखना, और वेश्यागमन का इसी प्रकार से परित्याग होना, ये जैनत्व की निशानी है, ये जैन धर्म है। बंधुओ, हमें समझ लेना चाहिए इन सात बातों का त्याग होना, इसका नाम जैन धर्म है। आगे की बात बाद में शुरू होती है कि वो कितना जाप करता है, कितना पाठ करता है, कितने सामायिक करता है, क्या है, वो बात आगे की है। प्रथम बात तो यह है, इन कुव्यसनों का जो त्याग करता है वही व्यक्ति जैन हुआ करता है। और बात यूं, इन सात कुव्यसनों में से अगर एक का भी प्रयोग जीवन में किसी के होता है तो उसकी आत्मा की स्थिति नीच गोत्र है, नीचे है। और जिसने इनका परित्याग कर दिया उस आत्मा की संज्ञा उच्च गोत्र है। यह गोत्र से तात्पर्य इस बात का है, यह गोत्र से भाव यह है अपने आत्मा को निर्मल बनाने के लिए उच्च गोत्र बनो। उच्च गोत्र बनने का अर्थ है इन सारी बुराइयों को और इन पापों को, इन सब को दूर करना है। इनको दूर करेंगे तभी जीवन स्वच्छ निर्मल अच्छा वन बनेगा। जैसे कि अन्य कर्मों की बात थी, ज्ञानवर्णीय कर्म के क्षय से बंधुओं ज्ञान का उदय होता है, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से श्रद्धा निर्मल हुआ करती है, वेदनीय कर्म के दूर होने से आत्मा स्वयं के आनंद की अनुभूति करती है, मोहिनीय कर्म के क्षय से आत्मा में स्वतंत्रता आती है, आयुष कर्म सुखपूर्वक व्यतीत होता है। और इसी प्रकार से आगे की बात कही गई कि आयुष कर्म के बाद में फिर हम आगे आते हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। नाम कर्म की चर्चा आपके सामने रही और गोत्र कर्म की चर्चा आज मैंने आपके सामने रखी। जो बाह्य परिकल्पनाएं हैं जातिवाद के, इनका जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है किसी भी प्रकार का। ये जैन धर्म सब आत्माओं को बराबर मान करके चलता है। बात है आचरण की, आचरण से संबंध है गोत्र कर्म का, व्यक्ति का आचरण क्या और कैसा आचरण है। इस प्रसंग में थोड़ी सी बात, मेरे पूज्य गुरुदेव चांदनी चौक बारादरी जैन स्थानक में ठहरे हुए थे। गुरु महाराज सुबह बाहर जाते थे तो एक जमादार भाई सड़क साफ करता हुआ, उसकी वहां ड्यूटी थी, वो उन्हें हर रोज मिलता था। गुरु महाराज को वो देखता तो झाड़ू देने से रुक जाता, हाथ जोड़ता, गुरु महाराज आगे निकल जाते। एक दिन गुरु महाराज के मन में विचार आया, जब वो मिला भाई, उसने हाथ जोड़े तो गुरु महाराज दो कदम उसकी ओर गए और उसे कहने लगे, भाई देखो हम जैन संत हैं। बोले हाँ जी बाबा, आप जैन महाराज हो पट्टी वाले। बोले हाँ जैन। मैं एक बात बताऊं, हमारे मन में पांव
छुआने की कोई इच्छा नहीं होती भी दुनिया कोई हमारे पांव छुए। अगर तुम मेरे पांव छूना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम ये सोचो ना भाई हम इनको कैसे पांव छू सकते हैं। तुम्हारे मन में अगर तुम्हारे मन में भाव हो तो नहीं तुम्हारी इच्छा है मुझे कोई ऐतराज नहीं। ना मामा ना हम ऐसे आत्माओं को हम कैसे छू सकते। बोले इसीलिए तो मैंने कहा ना तुम्हारे को अपने मन से ये बात निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जैन संत सबको बराबर मान कर चलते हैं। अगर तुम चाहो तो पांव छूना चाहो हमें ऐतराज नहीं इस बात का। तुम आपके पांव छू सकता हूं। बोले हाँ छू सकते हो। उसने झाड़ू रख दी और वह टूटी पर हाथ धोने के लिए गुरु महाराज समझ गए। बोले एक बात और सुनो हाथ धोने की जरूरत नहीं है कुछ आवश्यकता नहीं तो ऐसे। बोले ऐसे छू कैसे लो। बोले ऐसे छू लो। उसने पांव छुए गदगद हुआ। उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार किसी संत के पांव छुए। पहली बार चाहे वो किसी भी धर्म का संत था किसी ने ये बात ना कही ना मेरे को समझाया। आप पहले संत हैं जिनके मैंने पांव छुए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। बोले भी हमारा आशीर्वाद है। और एक बात सुनो अगर तुम सत्संग सुनना चाहो तो हमारे यहाँ सत्संग में भी आ सकते हो। वहां भी तुम आकर के धर्म लाभ ले सकते हो। कुछ संकोच है। बोले जी आपके यहाँ सेठ लोग आ। बोले सेठ लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जो आते हमारे पास में आते हैं फिर वो कुछ दिनों के बाद सत्संग में भी आने लगा धर्म प्रवचन भी सुनने लगा। गुरु महाराज ने जब अच्छा परिचय हो गया एक दिन उसको नमोकार मंत्र भी बताया और एक दिन गुरु महाराज ने उसको कहा कि हिंसा का परित्याग कर दो। किसी भी जीव के हिंसा नहीं करने इस बात का परित्याग कर। उसकी समझ आ गई और उसने बंधुओं सभी प्रकार की हिंसाओं का त्याग कर दिया और कहा कि मैं कभी जीवन में गोश्त मांस नहीं खाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को उसने धारण किया और निभाया। बहुत समय तक दर्शन करने के लिए भी आता रहा। अब इस उदाहरण को सामने रख करके बात करते हैं। जब वो व्यक्ति मांसाहारी था और जब वो व्यक्ति किसी प्रकार का मद्य आदि का सेवन करता था तो हम कहेंगे उसकी आत्मा का स्तर अध्यात्म की दृष्टि से नीचा था। और जिस दिन उसने परित्याग कर दिया मांसाहार का मद्य का बुराइयों का चीजों का उस दिन उसकी आत्मा क्या बन गई उच्च गोत्र वाली। उस दिन वो ऊपर उठ गया। इसलिए मनुष्य जो है ये अपनी स्थितियां अपने पुरुषार्थ से बना सकता है अपने कारनामों से अपने नीचे गिरा सकता अपने को और अपने कार्यों से ये ऊंचा भी उठा सकता है। ये मनुष्य की बात है। गोत्र कर्म जो संसार में नाम प्रचलित है उस रूप में नहीं आत्मा के ऊंचाई और आत्मा के गिरावट इस बात से देखा जाए और प्रयास ये हो अच्छी बातें जीवन में धारण करें और जो बुराइयां हैं उनको दूर करें तो जीवन निर्मल पावन बनेगा। और अब अगले कर्म की चर्चा आगे के समय में करने का भाव रखता हूँ। आज इस चर्चा को विराम देते हैं और अब थोड़ी चर्चा करते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं निज जीवन सफल बनाते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन जिन शासन गौरव जैन धर्म में ऐसे ऊंचे महापुरुष जिनके नाम जिनके चरित्र बहुत ऊंचे थे और वो जैन धर्म के गौरव थे उनमें से हमारी चर्चा
स्थूल भद्र मुनि को लेकर चल रही है। आपने स्थूल भद्र मुनि के इस पक्ष को, जो मुनि जीवन का पक्ष है, इसको आपने सुना, लेकिन एक पक्ष अभी आपके सामने नहीं आया है। ठीक है, हमारे श्रावक श्राविकाएं कुछ उसे जानते होंगे, उस पक्ष को भी, पर सभा में उपस्थित ऐसे भाई बहने भी होंगे जिन्होंने उसको सुना नहीं होगा। ये स्थूल भद्र किस तरह से क्यों कार मुनि जीवन में प्रविष्ट हुए और जिसका नाम आया था कोशा गणिका, इस तरह से क्या ऐसा हुआ कि ये उसके यहाँ गए और इस तरह कुछ हुआ, ये क्या बीता क्या हुआ। बंद हो, ये उस समय की बात है जिस समय भारतवर्ष में नंद साम्राज्य चल रहा था। अब ये इतिहास की घटना है। नंदों का साम्राज्य लंबे समय तक चला, पाटलिपुत्र की राजधानी थी और इन नंद शासन के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम शक्तार था, इतिहास का शक्तार लिखते हैं, प्राकृत में उनका नाम शकडाल हो जाता है। शक्तार मंत्री था और यह है जैन धर्म जैन सिद्धांतों का ज्ञाता था। बड़ी बात यह है, इसका जीवन बड़ा पावन और पवित्र था। जनता की सेवा करना ये ध्येय था। मंत्री बने हैं, कभी ये ख्याल और विचार कभी आया ही नहीं कि कुछ अपना घर भरें कुछ करें, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। शक्तार के परिवार की चर्चा हो भी चुकी, फिर भी दोहरा दो। इसके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम स्थूल भद्र था और छोटे बेटे का नाम श्रीयक था। और बंधुओं, सात इनकी बेटियां थी जिनके नाम आते हैं यक्षा आदि, ये इसका परिवार था। लक्ष्मी इसकी धर्मपत्नी का नाम था। बड़ा राजमान्य परिवार था, राजा ने तो सब कुछ शक्तार के ऊपर ही छोड़ा हुआ था, सारा संचालन व्यवस्था देखना, और शक्तार पूरी ईमानदारी के साथ में राज्य का संचालन कर रही थी। सब व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर चल रही थी। बड़ा बेटा सूलभद्र शिक्षा संपन्न कर चुका, युवा हो गया। पिता कभी बात करते, बेटा अब तुमने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, तुम्हारा विवाह भी करना है, थोड़ा इस राज काज में इसमें भी रुचि लिया करो। पिताश्री मेरा मन ही नहीं होता। तो तुम्हारा मन क्या होता है, क्या सोचते हो? इसने जो कलाएं सीखी स्थूल भद्र ने, उसमें इसकी सबसे प्रिय जो कला थी वो संगीत थी। शक्तार मंत्री ने एक बार राज्य व्यवस्था के लिए सर्वेक्षण किया, कहीं से हमारी कोई सीमा कमजोर तो नहीं है, कहीं से कुछ और कुछ उपद्रव कोई बात तो नहीं है, कैसा क्या चल रहा है। उस कार्य के लिए शक्तार ने अपने बेटे
शूलभद्र को भी नियुक्त किया कि तुम्हें वेश बदल करके और सेना के साथ में सर्वेक्षण करना, सब जगह का। दूसरा पात्र और चरित्र कथा में है कोशा का, जो राज नर्तकी थी, 64 कलाओं की ज्ञाता थी, बहुत बुद्धिमती थी। उस जमाने में राज कार्यों में स्त्रियों का भी योगदान था। चाणक्य ने तो इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। इतिहास किन बातों को क्या रखा जाए, किस तरह से वे इनका प्रयोग करते थे शत्रु का नाश करने के लिए, जासूसी के लिए, स्त्री पात्रों का। ये चाणक्य ने बहुत कुछ इसका इसके बारे में कहा है। शक्तार ने भी कोशा को जासूसी के कार्य के लिए लगाया था, राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया था। और तब वो अपने कार्य में थी, शूलभद्र अपने कार्य में था, दोनों का कार्य देश की सुरक्षा को लेकर था और जासूसी को लेकर था, शत्रुओं के बारे में पता लगाने के बारे में था। इनका वहां परिचय हुआ, इससे पहले इसका कोई परिचय नहीं था, न कभी ये इधर उधर कभी गया। उसमें जब भी कोई समय मिला और परिचय हुआ, परिचय का माध्यम बना संगीत। कोशा भी ये कह बैठी, एक पुरुष इतना अच्छा संगीतकार हो सकता है, ये मेरी कल्पना नहीं।